नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इतिहास का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 37 प्रश्न है और इस वीडियो से आपको एक नंबर आपको 100% मिलेगा। अगर आप 10 से 12 मिनट का समय देते हैं तो आपको एक नंबर आज पक्का ही हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका, जो कि मराठाओं से संबंधित आपका यह टॉपिक है, कह रहा आपसे पहला कि शिवाजी की जीवनी का नाम है। शिवाजी की जीवनी का नाम था, क्या नाम था भाई? तो इनकी जीवनी का नाम था बखर। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। शिवाजी की जीवनी का नाम क्या था? बखर। तो ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है, शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम क्या था? याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि शिवाजी के धार्मिक गुरु जो कि समर्थ थे रामदास, ठीक है, कौन थे आपके धार्मिक गुरु थे रामदास, इनके जो ग्रंथ का नाम है वो नाम क्या है? तो दस बोध था। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, दस बोध था। समर्थ गुरु रामदास के ग्रंथ का नाम क्या था? दस बोध। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है थर्ड नंबर कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो शिवाजी के व्यक्तित्व पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो था उनकी माँ का जीजाबाई, ठीक है, उनकी माँ का प्रभाव पड़ा था सबसे ज्यादा, और माँ का नाम क्या था? जीजाबाई था, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रभाव पड़ा था उनके दादा कोणदेव, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका थर्ड का बी हो जाएगा। सबसे अधिक अगर वर्ड लगाए तो आपकी इनकी माँ थी जीजाबाई का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है शिवाजी के राजनीतिक गुरु, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे कौन आपके रामदास, और शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु और आपके संरक्षक वो कौन थे? ये थे आपके कोणदेव, इनके दादा थे कोणदेव, इनका राजनीतिक और संरक्षक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपके कोणदेव ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, शिवाजी का जन्म पूना के समीप कहां हुआ था? शिवाजी का जन्म पूना के समीप कहां हुआ था? तो शिवाजी को जो जन्म हुआ था पूना के पास शिवनेरी एक दुर्ग पड़ता है वहां पर हुआ था, इसीलिए शिवनेरी एक मंदिर है और उस मंदिर के नाम से ही इनका नाम शिवाजी रख दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको ये भी आप तैयार हो जाएगा, शिवाजी को जो जन्म हुआ था पूना के समीप शिवनेरी में हुआ था। ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपसे कह रहा है शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सी किला को जीता था? तो जो बीजापुर में सर्वप्रथम आपका किला जीता था वो आपका कौन किला था? तो इस किले का नाम है आपका सी तोरण का किला, ठीक है, तोरण का किला। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। क्या थी शिवाजी की राजधानी? रायगढ़। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि शिवाजी की उपलब्धि में निम्नलिखित में से सही है। तो देखो पहला पॉइंट कह रहा है अफजल खां की हत्या 1659 में, बिल्कुल सही है, हुई थी। अयस्था कहां पर आक्रमण जो आपको किया थे शिवाजी ने, तो आपके 1663 में किया था, ये भी सही है। सूरत की लूट जो कि आपके शिवाजी ने किया था 1664 में, ये भी सही है। अर्थात ये तीनों पॉइंट ही सही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है, क्या गलत है? तो देखो पुरंदर की संधि आपकी 1665 में थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। आगरा की यात्रा 1666 में किया था, ये भी सही है। सूरत की सेकंड लूट आपकी हुई थी वो 1670 में थी, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ये सभी क्वेश्चन आपके सही हैं, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुरंदर की संधि द्वारा मराठाओं ने 23 किला, ठीक है, पुरंदर की जो संधि हुई थी तो उसमें से मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया था, यह संधि किनके बीच हुई थी? ठीक है, तो मराठा में अर्थात शिवाजी ने 23 किला जो दे दिया था वो मुगलों को दे दिया था। ये जो संधि हुई थी ये आपकी संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच, ठीक है, शिवाजी और जय सिंह के बीच आपकी जो हुई थी वो संधि में 23 किला शिवाजी ने मुगलों को दे दिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, बहुत ही बार पूछा गया है नाना फडणवीस का बचपन का नाम क्या था? नाना फडणवीस के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था आपके 11 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है, फडणवीर का नाम क्या था बचपन का? बालाजी जनार्दन भानु। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गलत है, कौन सा गलत है? तो देखते हैं कर आपसे शिवाजी के 8 मंत्री अर्थात अष्ट प्रधान थे, बिल्कुल सही है।
कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 प्रधान थे, अर्थात ये बिल्कुल सही है। पेशवा जो पद था वो प्रधानमंत्री का था, ये भी सही है। एक विदेश मंत्री सुमंत थे, ये भी सही है, अर्थात ये तीनों सही हैं। यहाँ पर कोई नहीं, अर्थात क्या है गलत, कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं। इसका आप सबका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति अर्थात छापा मार युद्ध प्रणाली के प्रवर्तक शिवाजी के बाद इनका सबसे अधिक विकास किसने किया था। तो याद रखिएगा जो आपके शिवाजी थे उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अर्थात छिपकर वार करना ये शिवाजी ने स्टार्ट किया था, लेकिन सबसे अधिक जो विकास किया था वो किसने किया था। तो ये किया था शिवाजी के बाद आपके ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। आपने मूवी देखा था बाजीराव मस्तानी, ठीक है, तो वही बाजीराव प्रथम है जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध को बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब कह सकते हैं पालन किया या विकास किया। नेक्स्ट कर आपसे कि औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, यह भवन स्थित है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको जो जयपुर भवन है जहां पर शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था, तो ये जयपुर भवन कहां पर है, तो ये आपका आगरा में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई, आगरा में पड़ता है आपका जयपुर भवन। आप लोग राजस्थान मत लगा देना, आगरा में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में निम्न से किसे भेजा था। तो 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने भेजा था किसको, तो ये भेजा थे आपके ऑप्शन आपके सी जयसिंह को भेजा था, ठीक है, जयसिंह को भेजा था। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला, मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो कि 1700 ईस्वी में गद्दी पर आई थी, तो सबसे ज्यादा मराठाओं में कह सकते हैं वीरांगना महिला थी आपकी ताराबाई, ठीक है, कौन थी, ताराबाई। तो ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था, शिवाजी को राजा की उपाधि जो प्रदान किए थे ये किसने किया था, तो आपके औरंगजेब ने ही किया था, ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट कर आपसे 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी को राज्यभिषेक जो कि बनारस के किस पुरोहित ने करवाया था, अर्थात याद रखिए रायगढ़ में शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था, कब हुआ था, तो 1674 में। ये आपके काशी के एक पंडित थे या पुरोहित थे, ये पुरोहित का नाम पूछ रहा है, तीन पुरोहित का नाम था पंडित गंगा भट्ट, पंडित गंगा भट्ट ने शिवाजी को राज्यभिषेक कराया था 1674 में, उनकी राजधानी कहां पर, रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है चौथ क्या है, पिछले बार आईएएस में क्वेश्चन ये आया था और पीसीएस में भी क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, चौथ से संबंधित। तो आपके 2018 में जो पीसीएस में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था, चौथ कर क्या है, चौथ कर क्या है, यह क्वेश्चन ऐसे बना था कि मराठाओं के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो चौथ कर था। तो चौथ कर क्या हुआ, तो ऑप्शन आपका डी देख लीजिए, कह रहा आपसे शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला 1/4 भाग जो कर था वही आपका था चौथ कर था, ठीक है ना। और जो 1/10 कर था वो आपका इनका दूसरा कर होता है, लेकिन 1/4 जो कर था वो था चौथ कर था, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है, तो लड़ाकू पेशवा कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। याद रखिए लड़ाकू पेशवा किसे कहते हैं, बाजीराव प्रथम को कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये संधि थी आपकी साल बाई की संधि, ठीक है, साल बाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा अर्थात अंग्रेज और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुआ था वो संधि हुई थी साल बाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि आपका हुआ था 1761 ईस्वी में क्या सही है, तो देखते हैं आपका पहला कह रहा आपसे अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में मराठाओं का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है इसमें मराठा तोपखाना के नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया था, ये भी सही है, अर्थात सभी यहाँ पर सही हैं आपके पानीपत के तृतीय युद्ध से। नेक्स्ट कर आपसे अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे, अंतिम छत्रपति, तो अंतिम छत्रपति और जो पेशवा थे आपके शाहजी अप्पा थे, अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा थे, और आपके जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड थे, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो
जाएगा अंतिम छत्रपति शाजीअप्पा और पेशवा आपके बाजीराव सेकंड अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे शिवाजी किसने शिवाजी के राज्य को लड़ाकू या डाकू राज्य कहा था। शिवाजी के जो राज्य था उसको डाकू राज्य जो कहा था वो किसने कहा था, तो डाकू राज्य कहा था आपके स्मिथ ने। ठीक है, किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था, तो शिवाजी ने जो तोप और गोला प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किए थे, फ्रांसीसियों से किए थे। ठीक है, फ्रांसीसियों से किए थे, इन्हीं से हेल्प लिया करते थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था, तो पेशवा का पद वंशानुगत मतलब होगा कि उन्हीं का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, तो ये जो पद आपका वंशानुगत हो गया था वो आपका हुआ था कब, तो ये हुआ था बालाजी बाजीराव के समय में। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट कर आपसे किसने सतारा को राजधानी बनाया, किसने सतारा को राजधानी बनाया था, तो ये बनाए थे आपके राजा राम ने। ठीक है, राजा राम ने सतारा को राजधानी बनाया। नेक्स्ट कर आपसे कि छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि किसने धारण की थी, छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि धारण की थी ये किसने किया थे, तो आपके शिवाजी ने किया था, शिवाजी ने, ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि शिवाजी का नौसेना था जो जलबेड़ा स्थित था कहां पर था, तो शिवाजी का जो नौसेना था या जलबेड़ा स्थित था वो आपके कोलाबा में था, कोलाबा, ऑप्शन राइट आपका 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे शिवाजी के स्थाई सेना को क्या कहते थे, जो शिवाजी की स्थाई सेना थी उसे क्या कहते हैं, तो उनकी सेना को जो स्थाई सेना थी उन्हें कहते हैं पागा, क्या बोलते हैं उन्हें, पागा बोलते हैं। 30 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पागा कहते थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में सही है, तो क्या संदर्भ में सही है, तो देखते हैं, कर आपसे कर 33-40% लेते थे, बिल्कुल सही है। भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी व कठी काठी का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। सरदेशमुखी जो आपका 10% लेते थे, अभी हमने जिक्र भी किया था कि आपका 10% जो कर लेते सरदेशमुखी थे, ठीक है, लेकिन चौथ कर 1/4 लेते थे, ठीक है ना, अर्थात ये चारों ही आपके जो विकल्प हैं ये सही है, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। शिवाजी के राजस्व प्रशासन में सभी प्रश्न सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में नाना साहेब किनको कहा जाता था, निम्न में नाना साहेब किनको कहा जाता था, ये किसको कहा जाता था, 32 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव का नाना साहेब कहा जाता था। नेक्स्ट कर आपसे मराठों का मेकियावेली किसे कहा गया है, मराठों का मेकियावेली, तो मेकियावेली कहा गया है किसे, ये कहा गया है नाना फडणवीस को, नाना फडणवीस को मेकियावेली कहा गया है मराठों का। नेक्स्ट कर आपसे 34 नंबर सुमेलित कीजिए, अर्थात सही सुमेलित आपको करना है, कर आपसे सिंधिया, देखिए ये जो सभी हैं मराठाओं से संबंधित है, ये आपके मराठा जो था वो 5 भागों में डिवाइड हो गया था, ठीक है, तो ये सिंधिया जो खानदान रहता था वो ग्वालियर में रहता था, गायकवाड़ मराठा था वो बड़ौदा में रहता था, भोसले जो रहते थे वो आपके नागपुर में रहते थे, जो आपके मराठा थे वो पुणे में रहते थे, कुल मिला के ये तीनों ही ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेशवाओं का संस्थापक कौन था, पेशवाओं का संस्थापक कौन था, तो पेशवाओं का जो संस्थापक था वो था बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ था पेशवाओं का संस्थापक, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि पानीपत के थर्ड युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा था, तो पानीपत के तृतीय युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा था, ये आपके थे पंडित, कौन से ये पंडित हैं आपके, पंडित काशीराज ने, पंडित काशीराज ने। नेक्स्ट कर आपसे मराठों का इतिहास किसने लिखा, मराठों का इतिहास किसने लिखा था, तो मराठों का इतिहास लिखा था आपके ऑप्शन बी ग्रांट डफ ने, ठीक है, मराठों का इतिहास लिखा था ग्रांट डफ में। तो आज की इस वीडियो में 37 प्रश्न आपने देखे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल संबंधी अब आपका टॉपिक लेके आएंगे, तो वहां पर आपको ये बताना है कि
कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न होंगे। आपकी सीरीज के माध्यम से पूरी की पूरी हिस्ट्री देखो, आपको बता दें कि आपको 3 बजे एक वीडियो हमारे चैनल पर आता है, सुबह 10 बजे एक आता है और रात में 9 बजे आपको हिंदी का फुल टेस्ट आता है। 3 वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं, लगातार आप तैयारी करते रहिए, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।